हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाले हैं कामधेनु की तरफ से आने वाले फास्ट ग्रीन यूनिवर्सल स्टेनर के बारे में। तो बेसिकली हम आपको बेडरूम में करने वाले हैं इस कलर को, और आपको दिखाएंगे कैसा ये आफ्टर लुक आपको देखने को मिलता है, और आपके बेडरूम के लिए इसका कौन सा सेट आपको सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कामधेनु पेंट की ब्रांडिंग के साथ ही आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी 100 ml का ये हमारे पास बॉटल आती है, और प्राइसिंग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने अपना जो प्राइसिंग का टैग है वो भी लगा के इस पर रखा हुआ है। तो लगभग आपको ये देख सकते हो 100 या 100 के आसपास 70-80 में मिल जाएगा अपने मार्केट के हिसाब से, तो आप लोग इसको ले सकते हो। बेसिकली अगर बात करें तो ये अलग अलग आपको बॉटल साइज़ में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 100 ml के 2 बॉटल हैं, और बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका लाइटर शेड बनाने वाले हैं। और ये कलर हमारे पास फास्ट ग्रीन है, तो हम इसको लाइटर शेड करने के लिए हम कम क्वांटिटी में इसका यूज करेंगे। तो आपको आपके आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि कैसा इसका लाइटर शेड होने वाला है। तो ये देख सकते हो हमारे पास है बर्जर कंपनी की तरफ से आने वाला वाइजन एक्रेलिक डिस्टेंपर। तो ये बेसिकली इंटीरियर के लिए होता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हल्का सा लो बजट रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और देख सकते हो इसको आप इंटीरियर ही यूज करें, हाँ आउटडोर के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटीरियर वॉल पेंट है, और यहाँ पे देख सकते हो 20 kg का हमारा पूरा बकेट है, और यहाँ पे प्राइसिंग आप लोग देख सकते हो 1600 यहाँ पे प्रिंट रेट है। और बेसिकली आपको प्रिंट रेट काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, ये तो प्राइसिंग आपको बकेट पे लिखी गई है और अपने लोकल मार्केट के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, 10 kg का हमने मटेरियल निकाल लिया है अलग से, और इसी के साथ हम 10 kg में डालने वाले हैं 100 ml का जो हमारे पास बॉटल है, एक बॉटल डालने वाले हैं जिससे हमको लाइटर शेड का कलर मिलेगा। और बेडरूम के लिए लाइटर शेड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करें आप लोग भी, क्योंकि डार्कर शेड काफ़ी टाइम ये होता है कि आपको जब लाइटिंग आप कमरे में यूज करते हो तो डार्कर शेड लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो लाइट वाले कलर होते हैं वो कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आपको अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो ये डिस्टेंपर है इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हमने इसमें 10 kg में हमने लगभग 1-2 लीटर पानी डाला है, और आप लोग अपने हिसाब से पानी डालें और जिस हिसाब से आपका ब्रश लगे। तो बेसिकली हम इसको रोलर्स की सहायता से लगाएंगे, तो हमने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाया है। बाकी इसके बाद क्या करना है, आपको जो स्टेनर का बॉटल है उसको अच्छी तरह से हिला लेना है, और हिलाने के बाद ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि पैकेजिंग के दौरान ये थोड़ा सा ठीक हो जाता है और नीचे की तल पे बैठ जाता है। उसके बाद आप लोगों को इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों को कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप लोग अपने हिसाब से इसको मिक्स करें, एकदम से पूरा खाली मत करें, अपने जो नॉर्मल यूज है थोड़ा डाल धीरे धीरे डाल के आप इसको मिक्स करते पता लगा सकते हैं कि कैसा आपको शेड मिलेगा। तो बेसिकली हमारे पास ये रेशियो फिक्स है, एक हमने पहले भी बना लिया है तो हम इसको फिक्स ही रखेंगे, इसलिए हमने एक साथ से एक बॉटल डाल लिया है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बॉटल में थोड़ा सा पानी डाल के और ढक्कन लगा के इसको अच्छी तरह से हिला के फिर डाल लेना है। और इसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम रहने की वजह से ये थोड़ा सा नीचे तल में बैठ जाता है, इसलिए हम पानी की सहायता से इसको आराम से धो के इसमें यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें आपके बेडरूम के लिए, तो आप लाइटर शेड का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको जिस हिसाब से डार्क शेड चाहिए तो अपने कलर को जो स्टेनर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कम ज़्यादा करके आप कलर को मिक्स कर सकते हो, और अपने मनपसंद जो कलर होता है शेड होता है उसको ले सकते हो। और बेसिकली ये हम अपने हाथों से बना रहे हैं इसलिए हम स्टेनर का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप लोग मशीन से बनाओगे तो आपको जैसा शेड आपको चाहिए रहेगा वो आपको मिल जाएगा मशीन से, और मशीन में ही ये अपने आप मिक्स होके आपको बाल्टी मिल जाएगी। और बेसिकली अगर अपने हाथ से मिक्स करते हो तो इस तरह से आप लोग इसको मिक्स कर सकते हो। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो कलर है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे कि अभी देख सकते हो ऊपर ऊपर ऐसा लग रहा है कि मिक्स हो गया, बट ऐसा नहीं है, इसको आप तल तक पूरा आराम आराम से इसको मिक्स करें। और ये देख सकते हो लास्ट फाइनल लुक आपको इस तरह का ये कलर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइटर हो गया है, और इतना ही हमको चाहिए था, इस हिसाब से हमने इसको पूरा बना के रखा था। और ये देख सकते हो अभी हम कुछ इस तरह से ये पूरा मिक्स हो चुका है। अब मटेरियल की थिकनेस देख सकते हो आप कितनी थिकनेस है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, और इतना करना है कि आपका जो ब्रश है वो आसानी से चल सके आपकी दीवारों पे। तो ये देख सकते हो ये हमारे पास शेड आ चुका है, और आगे हम आपको दिखाएंगे पूरे रूम पे कैसा लगता है इसका कलर शेड, और कैसा ये पूरा आफ्टर लुक देखने को मिलता है, और डिस्टेंपर कलर के साथ ये कैसा आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है।
तो गाइस ये देख सकते हो, ये हमारा बेडरूम है, इसको हमने फिनिश कर लिया है। और कलर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर आपको देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे डिस्टेंपर का यूज़ किया है, ऐसा लग रहा है कि पूरा जैसे प्लास्टिक पेंट होता है वही फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। और देख सकते हो हमारा पूरा जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। और शेड देख सकते हो, काफ़ी अच्छा शेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप लोग भी इस कलर का यूज़ करके अपने बेडरूम में इस सेट को ले सकते हो, कम ज़्यादा आप अपने यूज के हिसाब से ले सकते हो। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो, हमने बॉर्डर में यहाँ पे सेम काम दोनों ही कंपनी का ये फास्ट ऑरेंज किया था, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट जरूर से बताइएगा।